के विशिष्ट अतिथि सदर विधायक जोरदार तालियों से इन गणमान्यों का स्वागत करें। तरीका का ट्रीटमेंट आप जो ले रहे हैं उसके बाद जब आपको के साथ खेल रही है, राम मंदिर का वादा किया था और बनवाया नहीं, जिस पर क्या रिएक्शन है आपका? जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं हार्दिक पटेल, उसके मुखिया है राहुल गांधी। मैं हार्दिक पटेल से इतना ही कहूंगा कि जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके एक बड़े नेता कपिल सिब्बल ने यह कहा था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई थी कि आप चुनाव के पहले इसका निर्णय ना होने दें, और ये पिटीशन कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता ने लगाई थी। तो हार्दिक पटेल राहुल गांधी से पूछें कि क्या वो राम मंदिर बनने के निर्णय को सपोर्ट करते हैं, और जो कपिल सिब्बल का जो बयान था जिसके कारण विलंब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल को पार्टी से हटाते हैं या नहीं हटाते, इसका हार्दिक पटेल को जवाब दें। देखिए, जो भी है, कोई मुझे नहीं लगता वो बहिष्कार है, उन लोगों ने रिसीव भी किया होगा, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था कि रिसीव करने जाएंगे उन लोग, सबके अपने अपने कार्यक्रम में गए, मगर उन्होंने सार्वजनिक अपना दल के जो अध्यक्ष हैं और जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में अनुप्रिया पटेल, उन लोगों ने अपना मत रखा है, मगर ये भी सच्चाई है कि यही सरकार है जिसमें वो मंत्री भी हैं केंद्र में, और ये भी सच्चाई है कि आशीष पटेल जी को MLC भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही बनाया है। अब उसके बाद कोई ऐसा कोई विषय है उनके मन में जिससे उनको थोड़ा सा ठेस लगी है तो वो हम लोग बैठ के बातचीत कर लेंगे, और इस पर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आशीष पटेल जी ने बनारस की सीट पर दावा किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की। देखिए, जब सीटें होती हैं कोलिशन का होता है तो उसके अंदर चीज़ों की बातचीत करके सीटों के ऊपर होता है, फिर कौन किस सीट पर लगेगा उसका भी उत्तर प्रदेश में निर्णय नहीं हुआ है, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि जो वाराणसी की सीट है वो वेकेंट नहीं। RSS की जो शाखा लगती है उस पर बैन लगा। राज बब्बर जी राजनीतिज्ञ हैं तो इसलिए मैं उस पर राजनीति कर रहे हैं, मगर कहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं तो ना समझ है। RSS और नमाज के अंदर अंतर होता है, वो एक धार्मिक होता है, और RSS एक धार्मिक जो उनका पार्क में कार्यक्रम होते हैं उसमें खेल कूद होता है या राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवाद और खेल कूद में कोई किसी ने पाबंदी नहीं लगाई।